हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर जहां हम बातें करते हैं फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल स्टाइल पूजा पार्ट से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर और दोस्तों आज ना एक छोटी सी तैयारी कर रही थी प्राण प्रतिष्ठा की तो मुझे लगा क्यों ना आपके साथ शेयर करूँ और बहुत सारे लोग की शिकायत है कि दीदी आप कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रही तो देखिए ऐसा है चूँकि मैं एक गृहिणी हूँ हाउस वाइफ हूँ नौ दिन के मेरे व्रत चल रहे हैं उसी में प्राण प्रतिष्ठा चल रही है प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है घर में खाना पीना देखना होता है और जिस तरीके का ये समय चल रहा है आपके जिया जी की जैसी सर्विस है उस वजह से थोड़ा सा मैं बिजी बहुत ज़्यादा हो गई हूँ तो हम लोग नवरात्र से फ्री होते हैं फिर मैं ढेर सारी बातें करती हूँ आपसे तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ क्या कर रही थी वैसे उतनी ज़रूरी नहीं थी लेकिन होता है ना मन के भाव मैं अकेली बैठी थी मिडियार आनी थी तो मैं सोची किसका शायद शेयर करूँ सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो ये मैंने देखिए एक माला बनाई बड़ी क्यूट सी लग रही है राधा रानी के लिए बनाई है मैंने गुलाब की माला ये देखिए बहुत ही सुंदर सी गुलाब की माला जो है मैंने उनके लिए बनाई है और ये सारी तैयारियां बहुत धूमधाम से चल रही हैं हमारे घर में और ये देखें ठाकुर जी की मैंने तैयार कर दी है बस थोड़ी सी रह गई एक दो फूल रह गए तो मैं सोची कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं और एक ट्रिक बता दूँ अगर आप कभी भी गुलाब की माला बना रहे हैं तो पहले उसकी डंडी ना काटें पहले आप जो है सुई को धीरे से ऐसे पिरो दें उसके बाद जो है फिर डंडी काटे उससे क्या होगा कि आपके फूल की पत्तियाँ जो है वो बिल्कुल नहीं झड़ेंगी और भगवान जी को ये डंडियाँ इस तरीके से काट देंगे तो नहीं चुभेंगी और आपकी माला बनेगी बहुत सुंदर तो इस तरीके से तो ऐसे आप कर सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है घर में सभी लोग तैयारियों में लगे हुए हैं पड़ोसी भी लगे हुए हैं तो अच्छा लग रहा है जानकर और एक दो दिन से मन थोड़ा सा सा था विश्लेष सा क्या बस ऐसा ही सा था कुछ लोगों ने कुछ कह दिया तो मुझे वो जानकर अच्छा नहीं लगा थोड़ा सा तो होता है ना जहाँ आपको खुशी देने वाले हैं वहाँ आपको दुख देने वाले भी तो हैं सुख दुख का तो जोड़ा है पति पत्नी जैसा अगर ये दोनों साथ में नहीं रहेंगे तो कैसे काम चलेगा तो बस उससे थोड़ा मन मेरा दुखी था लेकिन फिर मैं अभी जो चली रहा है तो इसमें व्यस्त हो गई तो अच्छा लग रहा है सो मन का क्या है मन तो जरा में खुश हो जाता है जन में जरा में दुखी हो जाता है कोई बात नहीं अभी थोड़ा सा व्यस्तता है चूँकि नौ दिन का व्रत है मेरा भी आपके जीजा जी का भी और थोड़ी सी ना क्या हुआ है कि मेरे मुंह में छाले आ गए हैं उस वजह से भी मैं थोड़ा सा बोल नहीं पा रही हूँ उसको तो दिक्कत तो हो रही है ये तो माला देखिए लगभग लगभग बन गई ये सारे फूल जो हैं वो लेकर आए थे और कौन लेकर आया था बताऊँ मैं आपको जो हमारे पड़ोसी अंकल हैं वो लेकर आए थे बहुत सारे लोग उनको जो है वो देखा जाना और बहुत सारी बातें बोली खैर <laughs> सब सुन के तकलीफ़ तो बहुत हुई मुझे लोग अब भी बहुत कुछ बोल रहे हैं कोई बात नहीं चलता रहता है सब कुछ अच्छा लगता है सब चलता रहता है पता चलता है हमें दुनिया में कि किस किस मानसिकता के लोग भी यहाँ वास करते हैं सो so, ये भी अच्छा लगता है जानकर फिलहाल तो सब अच्छा है प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है ये और ये गुलाब की माला जानते हैं ऐसे लग रही है मुझे ऐसे लग रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कैसा लग रही है तो so, मुझे इस समय ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे कि पता नहीं मैं क्या बना रही हूँ पता नहीं क्या हो रहा है और जब ठाकुर जी की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो ये माला मैं अपने हाथों से पहनाऊँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा सो so, ये माला बना के ला मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है अब मैं इसे फ्रिज में रखवा दूँगी क्योंकि गुलाब जल्दी मुरझा जाते हैं वैसे भी गुलाब बहुत कोमल फूलों में माना जाता है तो इस तरीके से तो ये एक छोटी सी हमने तैयारी की जो कि बहुत सुंदर लग रही है अगर आपको भी पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थोड़ा सा अपडेट करना चाह रही थी कि प्राण प्रतिष्ठा की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही कुछ लोगों कमेंट ये था कि दीदी आपने प्राण प्रतिष्ठा वाली वीडियो शूट नहीं शेयर की तो देखिए होता क्या है प्राण प्रतिष्ठा का एक प्रोसेस जो है वो गुप्त रूप से होना चाहिए मेरे साथ बहुत सारे लोग प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं कम से कम दस बारह लोग हैं जिसमें गौरी जी भी हैं तो उन लोगों से मेरी बात होती रहती है प्रोसेस मैं सबको फ़ोन से बता रही हूँ जो जिन्होंने मेरे साथ शुरू की है बहुत सारे लोग हैं मैं आपको बता नहीं सकती मुझे अंदाजा ही नहीं था मतलब जब वो दिन आया ना तो बंदा बीस लोग बोले दीदी हम भी तो आप ही के साथ प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं कहाँ आप अकेले अगेल अकेले पर शान हो रही है मैं कह रही हूँ वो तो जानकारी नहीं थी तो हमारे चैनल पर हमारे परिवार के बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं जो हमारे साथ प्राण प्रतिष्ठा शुरू कर रहे थे इनफैक्ट अब जब हम लोग अपनी राधा रानी कृष्ण जी की स्थापना दिवस मनाएंगे ना तो हमारे साथ बहुत सारे लोग बुलाएंगे तो ये दो बड़ा यादगार सा हो गया है मेरे लिए तो अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा गुप्त रूप से हो जाए एक बार ईश्वर जो है वो अपने आ, पूर्ण चरम पर आ जाए <laughs> फिर मैं आप लोगों के साथ सारे वीडियो शेयर करती हूँ आप लोग परिवार हैं और यकीन जानिए सारे वीडियो आप लोगों के लिए ही बनाती हूँ मैं कोई अपने लिए थोड़ी बनाती हूँ आप ही लोगों को दिखाने के लिए बनाती हूँ तो सब आएंगे आप निश्चिंत रहिए ऐसी कोई वीडियो नहीं है जो नहीं आएगी अच्छा मैं आपको दिखा दूँ जयंती बहुत सारे लोग कह रहे थे दीदी जौ के दर्शन करा दीजिए लाइव आ जाइए देखिए मैं कह रही ना मेरे मुँह में छाले लिया तो मुझे दिक्कत हो रही है थोड़ा सा लेकिन फिर भी मैं आपको जौ के दर्शन कराती हूँ ये देखें बहुत ही कमाल की और घनावट तो आप देख रहे हैं कलश तो दिख भी नहीं रहा है ठीक से <laughs> खैर कुछ लोग जो गए उसे क्या रहे थे कि आप बहुत झूठी हैं आप बहुत झूठ बोलती हैं बहुत भ्रमित करती है तो जहाँ झूठ होता है धर्म होता है पाप होता है वहाँ देवी माँ की ऐसी कृपा थोड़ी होती है <laughs> तो अच्छा लग रहा है मुझे देख देख कर फिलहाल मैं झूठ नहीं बोलती लेकिन अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोलती हूँ तो मैं क्या ही कर सकती हूँ भाई अब किसी को किसी का शक नहीं पलटा जा सकता है शक शक की दवा मेरे हस्बैंड कहते हैं हकीम लुकमान के पास भी नहीं वैसे ये है कौन मैंने जानती नहीं हूँ लेकिन हस्बैंड ऐसा बोलता है तो मैं बता रही हूँ आपको फिलहाल देखिए जयंती बहुत ही कमाल की जयंती का कलर पत्तों का कलर एक ही लग रहा है बहुत सुंदर सुंदर लग रही है तो दोस्तों आशा करती ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें कमेंट करें एंड मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूल मैं मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे बाय दोस्तों बाय